ग्रीटिंग ऑफ द डेव गुप्ता वेलकम यू ऑल इन टूडेजर आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन इज दट नेम टाइप ऑफ रियक्शन इन्वॉल्व वेन जिंक प्लेट इज टिप्ड इन दॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जब आपकी जिंक प्लेट कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में टिप की जा रही है तब वहाँ पे कौन सी कौन सी टाइप ऑफ रिएक्शन हो रही है नाउ And write the reaction also. The answer is displacement reaction. Why? Because zinc is more reactive than copper if you see the reactivity series. So that means zinc can displace the copper from copper sulphate solution and make zinc sulphate. The reaction will be copper sulphate plus zinc gives zinc sulphate plus copper. This is the reaction. Now, when zinc plate is dipped in a solution of copper sulphate, zinc being more reactive than copper, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से सो वो कॉपर को डिसप्लेस करेगा किससे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है एंड देट वो जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा सो इट इज कॉल्ड एज डिसमेंट रिएक्शन एंडक्शन इज कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिविक सल्फेट प्लस कॉपर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट टाइप ऑफ रिएशन डर वेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट कौन सी तरह की रिएक्शन होगी जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को एक्सपोज करते हैं सनलाइट के अंदर दैट इज डी रिएक्शन और यू कैन से इट एज फोटोलिटिक रिएक्शन वेन एवर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन बट इफ इफ द रिएक्शन इज ब्रेकिंग डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज नोन एज फोटोलिटिक रिएक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंस कम्बाइंड टू गिव अप सिंगल प्रोडक्ट वो कौन सी रिएक्शन है जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को कम्बाइन करते हैं एंड वो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट दे दैट इज़ योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर एक्ज़ाम्पल सेम कॉपर सल्फेट प्लस जिंक आपने कॉपर सल्फेट प्लस जिंक की बात की वो क्या दे रहा आपको जिंक सल्फेट प्लस कॉपर सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन

रिएक्शन ना फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक बिकॉज टेक सनलाइट सीज सनलाइट इज रिटर्न ओवर हेयर विच इज योअर हीट फॉर्म आप हीट दे रहे हैं दैट मीन्स यू आर गिविंग द हीट टू द रिएक्शन सो इट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन नाउ कौन सी हीट है वो सनलाइट वाली हीट है सो इट इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन फॉर द रिएक्शन टू कंप्लीट वेन एवर इन अ रिएक्शन इफ हीट इज सप्लाइड अब किसी भी रिएक्शन में अगर आप हीट सप्लाई करते हैं तो क्या होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन खेलाते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को ब्रेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट विल गिव यू ए जी प्लस सी एल सो इट इज़ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन नॉ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेक्स्ट इज आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है द कॉमन एग्जाम्पल इज बी ए सी एल टू प्लस एन ए टू एस ओ फोर बेरियम क्लोराइड पर प्लस सोडियम सल्फेट वॉट इट विल गिव इट विल गिव यू बेरियम सल्फेट प्लस एन ए सी एल ओके दिस बेरियम सल्फेट इज ए वाइट प्रिसिपिटेड नाउ नेक्स्ट थिंग आप सबने जो आंसर्स दिए थे उसमें आपने एन ए सी एल आपने एन ए ओ एच प्लस एच सी एल की रिएक्शन दिखाई थी गिव्स यू एन ए सी एल प्लस एच टू दैट इज ऑल्सो करेक्ट इन डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन बट प्लीज ट्राई टू राइट दिस रिएक्शन विच इज रिटन ओवर हेयर इन डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज वेन है यू राइट एन एच प्लस एच सी एल गिव यू एन ए सी एल प्लस एच टू ओ इट इज अट्रलाइजेशन रिएक्शन वेयर एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू गिव यू अ सॉल्ट प्लस वॉटर सो प्लीज इफ यू हैव रिटन इट इज़ ओके फाइन अच्छी है बट बेटर एग्जाम्पल आपका ये वाला है ना वाई आर ऑल डी कम्पोजिशन रिएक्शन इंडोथर्मिक सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक क्यों होती है एंडोथर्मिक का एक्सप्लेन यू दैट इज वैन यू गिव हीट टू द रिएक्शन आप हीट दे रहे हैं सो दैट द रिएक्टेंट कैन ब्रेक डाउन और द न्यू प्रोडक्ट कैन फॉर्म बट द क्वेश्चन आर्स इज वाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन सो वॉट यू मै डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स वेन एवर अ रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन जब एक रिएक्टेंट ब्रेक कर रहा है अलग अलग कंपोनेंट्स दे रहा है प्रोडक्ट्स दे रहा है इट इज़ नोन एज

now the same example is agcl gives you ag plus cl and agcl breaks down in the presence of sunlight so it is a decomposition reaction because a single reactant is breaking down into products and second example is calcium carbonate will give you calcium oxide plus carbon dioxide gas okay this is also an decomposition reaction now the next question is इस द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इंटू कम्पोज एन एग्जोथर्मिक रिएक्शन जब आप वेजिटेबल मैटर है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है आप उसको डिकम्पोज करते हैं तो क्या वो एक एग्जोथर्मिक रिएक्शन है येस इट इज एन एग्जोथर्मिक रिएक्शन वाई अब थिंक यू ऑल नो दैट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर कन्वर्टेड इंटू मेन्योर सो वेन द मेन्योर आर बींग फॉर्म रिलीज अ गैस दिस गैस इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस वो गैस कौन थी आपकी मिथेन गैस एंड मिथेन गैस आपकी कहाँ ही है एज अ फ्यूल फाइन तो दिस फ्यूल गिव्स यू एनर्जी दैट मीन्स इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन नाउ सी द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इंटू कम्पोस्ट इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इंटू यूजफुल कंपोस्ट इज कैरिड इज कैरिड सॉरी इज कैरिड आउट बाई माइक्रोव्स माइक्रोव्स कैरी करते हैं दिस रिएशन इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स एंड जहाँ पर बॉन्ड्स की ब्रेकिंग या मेकिंग होगी वहाँ पर एनर्जी उतना सप्लाई होगी सो द ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई फोटोसिंथिस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन आपकी फोटोसिंथिस एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है नाओ फोटोसिंथेसिस क्या होता है दैट यू आर टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स यू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन फाइन

एब्सॉर्ब दन एनर्जी टू अनेबल द रिएक्शन टू हैपन मीन्स रिएक्शन टू कैरी फॉर्वर्ड के लिए आप हीट सप्लाई कर रहे हैं लाइक मोस्ट ऑफ द एंटोथर्मिक रिएक्शन सारे एंटोथर्मिक रिएक्शन क्या प्लाट डो नॉट एब्जॉर्ब हीट हर केस में प्लान्टट नहीं करता बट दे एब्जॉर्ब सन फोटोथर्मल एनर्जी सन की फोटोथर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं सनजे सेब्सॉर्ब कर दैट्स वाइट इज नोन एज फोटोसिंथोसिस इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस चार्ज नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द टर्म इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन गिविंग अ अटेबल एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मीन्स आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं फाइन यूर इज वन एंड देन यू आर गेटिंग टू और मोर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप ब्रेक डाउन कर रहे लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन नाउ मीन्स ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड इन आय वन इलेक्ट्रिसिटी इज पास इन अ सॉल्यूशन वाटर कैन नॉट बी डिसोसिएट ईजली सी इट इज रिटर्न दैट वाटर कैन नॉट बी डिसोसिएट ईजली आप वाटर को रखें वो इजली डिसोसिएट नहीं होगा डिसोसिएट मीन्स कि वो ईजली ब्रेक डाउन नहीं होगा सो वॉट इट नीड्स इज दैट यू नीड टू सप्लाई सम एनर्जी एंड एनर्जी हेयर इज इलेक्ट्रिसिटी नो बट वेन इलेक्ट्रिसिटी इज बट वेन इलेक्ट्रिसिटी इट कैन डिसोसिएट इन टू इट्स एलिमेंट्स वो इलेक्ट्रिसिटी एलिमेंट्स की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगी now 2h2o that is water gives it 2h2 plus o2 now see you have connected a battery over here the wires are connected now what is going on these are your electrodes now when you supply electricity to the water what happens then in one container you have h2 and in one container you have o2 that means water dissociate in the form of h2 and o2 when electricity is being supplied over नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज वेन अ पीस ऑफ आयरन इज ड्रॉप्ड इन टू इट कि ब्लू कलर सॉल्यूशन का क्यों चेंज होता है कॉपर सल्फेट का जब आप उसमें आयरन डिप करते हैं तो बेसिक रीजन इज दैट आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर सल्फेट सो वॉट इट विल डू इट इट विल डिस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो वॉट विल हैपन समेक टुक प्लेस ना वॉट आर द चेंजेस इज सी

आयरन डिसप्लेसिज कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्मिंग एन आयरन सल्फेज विच इज लाइट इन कलर लाइट ग्रीन इन कलर इट इज बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर एज वी एव सीन इन रिएक्टिव दी सीरीज नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड कौन सी रिएक्शन हैं इन सारी क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वॉटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड now here you have two reactants that, that are combining together and give you single product it is known as combination reaction now zinc plus copper sulfate gives you zinc sulfate plus copper now you can say it as it is a combination reaction but here you can see that copper is being displaced from its solution and zinc has displaced it that's why it is known as displacement reaction नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्युमिनियम सल्फेट प्लस अमोनीम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट नाउ बोथ आर इंटरचेंजिंग द प्लेस एल्यूमिनियम टेकिंग द प्लेस ऑफ अमोनिया एंड अमोनिया टेकिंग द प्लेस ऑफ एल्युमिनियम सो इट इज़ नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज़ फुल के एंड एल शेल एक एलिमेंट है जिसके अंदर सारे फुल शेल्स हैं के बी और एल बी बट एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है फाइव आपको उसका एटॉमिक नंबर बताना है नाउ के इज टू के में कितने शेल्स के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम टू एल में एट एम में कितने की बन है फाइव दैट मीन्स अगर हम टोटल अप करो तो कितना आएगा टू प्लस एट प्लस फाइव दैट इज योर फिफ्टीन एंड फिफ्टीन किसका एटॉमिक नंबर है दैट इज योर फॉस्फोरस ना नेक्स्ट राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम एटम्स आपको कार्बन्स और सोडियम आइटम का डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है इलेक्ट्रॉन्स का नाउ कार्बन के टॉपिक नंबर इज योर सिक्स नाउ यू नो दैट इन के शेल दैट इज द फर्स्ट टॉपिट यू कैन फिल मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स एंड इन एल शेल यू कैन फिल मैक्सिमम फोर इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज टू आर फिल्ड एंड फोर प्लस टू इज सिक्स ओके नाउ सी हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट प्लीज वेन एवर यू मेक द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ट्राइड टू मेक अ सीमिट्री बिकॉज सिमिट्री से उनकी स्टेबिलिटी आती है नौ सी वन एंड टू फाइन दिस इज योर के शेल देन दिस इज योर एल शेल वन टू थ्री फोर टोटल फाइव हो गए आपके नेक्स्ट इज सोडियम टोटल इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज योर इलेवन के में टू एल इज़ एट एम इज वन टोटल इलेवन नौ सी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर वन एंड वन दैट इज वन एंड वन टू हो गया कि एम है एल में कितने चाहिए आपको एट तो टू टू फोर फोर टू सिक्स सिक्स टू एट डन नाओ सीमिट्री के साथ है बेटा ये ना सीमेट्री मीन्स की अपोजिट है सो दैट नैट इफेक्ट बैलेंस आउट हो जाए नेक्स्ट इज एम एम में कितने आपके वन दैट इज वो हे ना next question is how will you find the valency of chlorine sulfur and magnesium Our valency case is looking first you will write the electronic configuration of all and then you will get whether the octate needs an electron or needs to lose an electron the first is chlorine atomic number of chlorine is 17 so if we do electronic configuration k is 2 l is 8 m will get 7 that will come out to be 17 so, for octet to be complete, it needs 8 electron. So, 1 is less. So, what chlorine will do is, it will take 1 electron becomes negative in nature. So, it will gain, it will have a valency of minus 1. Aap sabne 1 likha minus 1 nahi likha Next, sulfur has an atomic number as 16. Okay. Now, K shell has 2, L shell has 8, M shell has 6. ना वॉट इट विल डू इट विल गेन टू इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज एम शेल कंटेन्स ओनली सिक्स इलेक्ट्रॉन्स सो टू कम्प्लीट इट ऑक्टेट एट इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स लेक एंड वेन एवर एन एटम टेक्स एन इलेक्ट्रॉन सो इट विल बिकम नेगेटिव इन नेचर एंड कितने लिए यहाँ पे दो एट वट इज माइनस टू ना मैगनीशियम इज ट्वेल्व केटमिक नंबर इज ट्वेल्व केश एल टू एल शेल एट एम शेल इज टू इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स से एमशेल में अब दो इलेक्ट्रॉन्स देना आसान है बिकॉज से एमशेल खत्म हो जाएगी आपकी सो इट विल बिकम के एन शेल इन कम्प्लीटली फिल्ड सो वेन एन एटम गिव एन इलेक्ट्रॉन कहीं पर देता है अपना इलेक्ट्रॉन तो वो क्या बनता है पॉजिटिव नेचर सो इट विल बिकम प्लस टू नेक्स्ट क्वेश्चन मेक द केमिकल फार्मूला आपको केमिकल फार्मूला बना देते फर्स्ट इज सोडियम ब्रोमाइड द सोडियम हैज अलेंसी ऑफ वन ब्रोमीन हैज ब्रोमाइड इज रिटन एज ब्रोमिन वेन एवर यू मेक अ फार्मूला Now it will have a valency of one, so it will cross interchange the valencies. You will get NaBr. Now aluminum oxide, Al and O. Aluminum is Al, O is oxygen. So aluminum has a valency of plus three, and oxygen has a valency of minus two. And when we make a chemical formula, we never write signs over here. So interchange the valencies, you will get Al2O3. Next is zinc nitrate. Zinc is Zn. नाइट्रेट इज़ एन ओ थ्री नॉ जिंक हैज वेलेंसी ऑफ प्लस टू एंड नाइट्रेट एन ओ थ्री हेज़ अ वेलेंसी ऑफ माइनस वन वी मेक अ केमिकल फॉमलावर राइट द प्लस एंड माइनस वाइन ओवर है क्रॉस इंटरचेंज द वेलेंसीज यू विल गेट जिंक नाइट्रेट जेड एन ओ थ्री होल्ड टॉयज एन ओ थ्री के बाद होल्ड टॉयस क्यों लगा बिकॉज इफ़ हमने एनओ थ्री के साथ अपनी वेलेंसी पूरी एक्सचेंज करी है नॉ नेक्स्ट इज कॉपर ऑक्साइड कॉपर हैज अ वेलेंसी ऑफ टू ऑक्सीजन हैज अ व वेलेंसी ऑफ टू Now interchange you will get Cu2O2 and 2, 2 will cancel out you will get CuO. That's all for today. Thank you.